सो हे गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग केयर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड कलर है उसको डार्क कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली जिस तरीके वीडियो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रही हो उस तरीके वीडियो कलर ग्रेडिंग कैसे आप काइनमास्टर के अंदर कर सकते हो, काफ़ी ईजी वे में बताऊँगा और आप भी काफ़ी ईजी वे में सीख सकते हो इस तरीके कलर ग्रेडिंग। तो चलो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि देख सकते हो मैं सीधा आ चुका हूँ काइनमास्टर पर। काइनमास्टर पर आने के बाद सिंपली हमें प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है। यहाँ से आप अपने वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे, ठीक है। मैं अपनी वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज कर रही हूँ 16:9। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, जिस वीडियो का बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो। यहाँ से मैं अपनी वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने अपनी वीडियो को काइनमास्टर की टाइमलाइन पर ऐड कर लिया। उसके बाद इस कॉर्नर पे सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सिंपली हमें अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है क्लिप ग्राफिक्स, तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, तो सिंपली हमें गेट मोर के ऊपर क्लिक करना है। गेट मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुंच जाएंगे काइनमास्टर कैसे स्टोर पर। उसके बाद आपको यहाँ पर एफएक्स नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, तो सिंपली आप एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। एफएक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे ब्लर के नीचे कलर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एक इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होगा कलर आइसोलेशन। एज यू कैन सी हियर कलर आइसोलेशन, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसे इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इंस्टॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन हमें क्या करना है, ऊपर में क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करके सिंपली आ जाना है बैक। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप चूज करेंगे इफेक्ट्स ऑप्शन को, ठीक है। एंड आप यहाँ पर ढूंढ लेंगे कलर आइसोलेशन कहाँ पर है, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ये है कलर आइसोलेशन, तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें कलर आइसोलेशन इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली कर देना इस कॉर्नर पे डन। अभी जैसे कि देख सकते हो कलर आइसोलेशन जो इफेक्ट्स है हमारी वीडियो पर अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमारी पूरी वीडियो डार्क हो चुका है, ठीक है। तो हमें अपनी पूरी वीडियो को डार्क नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है हमें इसे अपनी पूरी स्क्रीन पर फिट कर लेना है, ओके। उसके बाद इसका जो टाइम लाइन है इसे आप बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें कलर आइसोलेशन इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है यानी लेयर के ऊपर। देन यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले कलर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा आपकी वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है उसी कलर को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मेरी कंडीशन में मेरी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो नेचर कलर का है, ठीक है, एंड नेचर हमेशा ग्रीन कलर का ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ग्रीन कलर चूज कर लूँगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो ग्रीन कलर, इसे चूज करते और जो भी आपकी वीडियो की बैकग्राउंड में जो भी कलर है आप उसको यहाँ से चूज कर लेंगे, जैसे कि रेड ब्लू ग्रीन जो भी हो, वरना जो है ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, अगर आप कलर को सही से पिक नहीं करोगे तो ये कलर आइसोलेशन इफेक्ट्स आपकी वीडियो पर सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना है, इसका जो इंटेंसिटी हमें इसे इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। इसका इंटेंसिटी हमें कर देना है 80, तो इसे सबसे पहले 83 कर लिया। उसके बाद नीचे जो रिवर्स का ऑप्शन मिल रहा है इसे इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी वीडियो का जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर डार्क हो चुका है, तो इसका लेवल हम थोड़ा और इंक्रीज करते तो इसे हम क्या करेंगे 80 रख लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका जो लेवल है मैंने रखा हूँ 80%। उसके बाद सिंपली कर दीजिएगा डन। एंड एज यू कैन सी यार हमारी मॉडल के ऊपर बिल्कुल भी डार्क कलर हट चुका है, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर लिया। उसके बाद और किया, हमें अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इस कॉर्नर पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिंपली अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे।
थैंक यू सो मच आप सभी को आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए।